हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं नॉर्वे ट्रिप का वीडियो डाला था, उसमें आपने देखा होगा मेरे पेरेंट्स भी इधर आए हुए हैं। तो वो लोग 2.5 महीने के लिए इधर है, मेरे से मिलने आया है इंडिया से। तो वो यहाँ पे विजिट वीजा पे है, सी वीजा में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप पेरेंट्स को कैसे लाया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा और क्या प्रोसेस है उनको लाने का, अगर कोई लाना चाहता है। तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये भी मैं बता दूं कि स्वीडन में जो पेरेंट्स को इनवाइट करने का प्रोसेस है वो मोर और लेस यूरोप में बाकी कंट्रीज से भी मैच होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बहुत जगह पर ट्रैवल किया तो मुझे पता है, तो थोड़ा बहुत मैच करता है। तो आप स्वीडन का अगर ये प्रोसेस सुन लेंगे और अगर किसी और कंट्री से भी आप देख रहे हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ क्या प्रोसेस फॉलो किया, डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगा, मेरे तरफ से मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स मेरे पेरेंट्स को कोरियर किया। तो सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और मैं बता दूं, जो लोग ये चैनल नया देख रहे हैं, तो मैं फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल कैरियर्स और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप लोगों को अगर ये सब टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरे तरफ से मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहां से स्वीडन से कोरियर किया था घर पे, जो वीजा इंटरव्यू के दौरान चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इन्विटेशन फॉर्म भेजा था, जिसका फॉर्मेट VFS के वेबसाइट में मिल गया था मुझे। तो वहां से डाउनलोड किया और मैंने उसमें डिटेल्स वगैरह भर के, मेरा डिटेल्स है जो इनवाइट कर रहे हैं, तो बेसिक डिटेल्स वो दे दिया था सारा कुछ। और मैं ये भी दिखाया था कि मैं मेरे पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मेरा 3 महीने का जो सैलरी स्लिप है वो दे दिया था उनको। और एक होटल बुकिंग चाहिए रहता है या स्टे का प्रूफ, कहाँ पे वो लोग रहेंगे इस पीरियड में, तो उसके लिए मैं मेरे घर का, यहाँ पे जो घर है उसका एग्रीमेंट सेंड किया था मेरे पेरेंट्स को। इसके अलावा और एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, और 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए था फ्रॉम स्कैतवरकत। तो स्कैतवरकत में यहाँ पे एक पर्सनल लेटर मिलता है, पर्सनल ब्रेविस बोलते इधर। तो उसमें ये लिखा रहता है, हमारा जो पर्सनल नंबर है वो रहता है, हम लोग कब आए थे स्वीडन में, कब से रजिस्टर्ड है, वो सारा डिटेल्स उसमें लिखा रहता है। तो वो टैक्स ऑफिस से मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा ITR रिटर्न चाहिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न जो हम स्वीडन में भरते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने मेरे पेरेंट्स को कोरियर कर दिया था यहाँ से। तो उनको वो मिल गया था वीजा इंटरव्यू से पहले, और उनके तरफ से वो लोग वीजा फॉर्म है जो है वो फिल करके रखा था, सी वीजा का, शेंगेन सी वीजा फॉर्म है, उसका फॉर्मेट मैं दे दूंगा। वो ये फॉर्म भी आप VFS के जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। VFS का जो वेबसाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा जो डिटेल्स है वो दिया रहता है। तो उन्होंने वो फॉर्म फिल कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फ्लाइट टिकट्स है वो चाहिए, और एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए इस कंप्लीट पीरियड के लिए। तो उन्होंने ये सब ले लिया था। तो ये सब है। मैं बता दूं, जो शॉर्ट टर्म वीजा है उसके लिए आपको न्यू दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, वो VFS के लोकल VFS के ऑफिस में हो जाता है। तो लोकल VFS के ऑफिस में मैंने अपॉइंटमेंट लेके दिया था मेरे पेरेंट्स को, ऑनलाइन मिल जाता है अपॉइंटमेंट। तो वो लोग विजिट किया, वहां पे उनका फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स लिया गया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days के अंदर जो पासपोर्ट है वो वीजा के साथ कोरियर कर दिया गया घर में। तो ज्यादा खास कुछ उन्होंने पूछा नहीं, जनरल कौन रहता है मेरे बारे में थोड़ा बहुत पूछा, ये सब था। तो मैं रिपीट कर दूं, डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगा, मेरे तरफ से मैंने भेजा था इन्विटेशन लेटर और इन्विटेशन फॉर्म भी बोल सकते आप, उसके अलावा मेरे 3 महीने का सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स का रिटर्न, और जहां पे वो लोग रहेंगे, मतलब इस अगर आप अगर स्वीडन से बुला रहे तो स्वीडन में जरूर आपका घर होगा, अगर रेंट पे भी है या खरीदा है उसका जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो भेज देना साथ में, तो जो रेसिडेंशियल प्रूफ या एकोमोडेशन प्रूफ है वो अप्रूव हो जाएगा। और पर्सनल ब्रेव जो स्कैतवरकत से मिला था वो भी मैं भेज दिया था। और हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो रेसिडेंस कार्ड है, UT कार्ड बोलते हैं वो, उसका एक कॉपी भेजा था, और मेरे पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड भेज दिया था, क्योंकि ये चाहिए रहता है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने भेजा था। और वो लोग पर्सनली वीजा फॉर्म और फ्लाइट टिकट्स
और ट्रैवल इंश्योरेंस का जो कॉपी था, ये सारा कुछ उन लोगों ने अटैच कर दिया। तो इतना ही था बेसिकली। तो बहुत स्मूथ हुआ उनका, मुझे जैसे ही अपॉइंटमेंट मिला मैं मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि सो एंड सो डेट में आप जाइए, और एक पीडीएफ निकलता है जो अपॉइंटमेंट का डिटेल्स उसमें लिख, उन्होंने लोकली प्रिंट निकाल लिया था उसका। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, और ये मैं बता दूं, ये जो इनविटेशन लेटर भेजेंगे वो सेपरेटली भेजना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग इनविटेशन लेटर चाहिए। तो ये मैं बता दूं, उसमें डिटेल्स रहता है दोनों का अलग अलग। तो इतना ही था बेसिकली। तो वो लोग आ गए, ज्यादा कुछ नहीं था। और इमिग्रेशन में भी बहुत ईजी सवाल पूछा था, आप किस लिए आ रहे हैं, हाँ तो उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो इतना उन्होंने बता दिया। तो इतना ही था बेसिकली, ज्यादा कुछ वो प्रॉब्लमेटिक नहीं था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है VFS ग्लोबल का वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस टैब में जाएंगे, वीजा, ई वीजा एंड परमिट्स, इसके अंडर आप देखिए कि आई एम अप्लाइंग फॉर फ्रॉम, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए इंडिया। उसके बाद एंड आई एम गोइंग टू कंट्री, यहाँ पे स्वीडन सिलेक्ट कीजिए। मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसा ही किया था। उसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट जाएंगे, तो जैसे आप उस ऑप्शन पे क्रिएट करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, यहाँ पे अप्लाई फॉर ए वीजा ये ऑप्शन है, बुक एन अपॉइंटमेंट है, ये आपको बुक करना पड़ेगा बाद में इसी टैब से। तो फाइंड ए सेंटर है, आपका नियर बाय कौन सा सेंटर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और प्रीमियम सर्विसेज है उनका कुछ, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइंड ए सेंटर में हम लोगों ने कोलकाता का सेंटर चूज किया था, जो मेरे घर से बहुत पास में ही है। तो मैं फर्स्ट टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे है अप्लाई फॉर ए वीजा, यहाँ पे स्टार्ट नाउ में क्लिक कर देना। तो उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है जो है आइडेंटिफाई वीजा टाइप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, व्यू मोड में जाएंगे, तो यहाँ पे वीजा टाइप डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन से टाइप के वीजा आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करना आप, तो वहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, तो शॉर्ट टर्म वीजा के अंडर है विजिटिंग रिलेटिव एंड फ्रेंड्स वीजा, तो ये एक वीजा है, दूसरा टूरिस्ट वीजा भी है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे पास आ रहा था, तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, विजिटिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वीजा, तो ये जैसे चूज किया, तो इसके अंडर बहुत सारा टैब्स आएगा, तो आपको जाना है डाउनलोड फॉर्म्स में। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो कौन से फॉर्म्स जो है वो चाहिए वो सारा दिया है। तो पहला वाला फॉर्म है जो शेंगेन वीजा का फॉर्म है, तो ये फिल करना पड़ेगा जो एप्लीकेंट है उसको। तो इस केस में मेरे पेरेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया था। और दूसरा जो फॉर्म है ये अपेंडिक्स ई, ये है इनविटेशन फॉर्म, तो ये जो इनवाइट कर रहा है, तो इस केस में मैंने ये फॉर्म को भरा था और मेरे पेरेंट्स को कोरियर कर दिया था इधर से, स्वीडन से। और बाकी दूसरा है, अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, उसके लिए ये फॉर्म है, डेटा प्रोटेक्शन नोटिस, ये भी देख लेना ये सब, और मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस इसके बारे में भी दिया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया है। तो ये सारा फॉर्म्स है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप चले जाइए, तो यहाँ पे चेकलिस्ट दिया है, चेकलिस्ट आप देख लेना यहाँ पे कौन से चेकलिस्ट है, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो मैंने जो भी इस वीडियो में बताया, मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो ये VFS के वेबसाइट में आप हमेशा देखिए ये क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वीजा फीस भी आप देख सकते हैं, तो वीजा फीस है 6,900 INR रुपीज, जो कि इक्विवेलेंट टू 80 यूरोस होता है। और अगर कोई बच्चा है 6 to 12 years, तो उसको फीस कम है। तो यहाँ पे सारा ओवरव्यू दिया है, तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और सब कुछ होने के बाद, जैसे मैंने दिखाया, अपॉइंटमेंट पेज में जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, और उसके बाद प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो अपॉइंटमेंट सारा डॉक्यूमेंट जब आप लेके जाएंगे, और VFS के जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो बहुत हेल्प कर देते। तो मुझे याद है मेरे जब पेरेंट्स इन लॉ आ रहे थे, तो उनके टाइम में भी मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स उनको भेजा था, लेकिन उनको एक डॉक्यूमेंट जो है वो कम हो गया था। उनके केस में मेरे साथ क्या रिलेशन है मेरे पेरेंट्स इन लॉ का, वो प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो
मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो चाहिए था, जो कि वो लेके नहीं गए थे, तो मैं यहाँ से ही ईमेल कर दिया था वीएफएस वालों को, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के उनके हाथ में दे दिया, तो बहुत ही हेल्प किया था। तो वीएफएस के एम्प्लॉयज आपको हेल्प करेंगे। तो ये था सारा हिसाब किताब फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।